जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो व्यापार, जुर्म फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादमा और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। एक किसी उंगली में थोड़ी सी दीमक लगी होगी, तो दूसरी में कोड़ लगा होगा जरा सा, तीसरी में खड्डा होगा थोड़ा सा, तो चौथी में मखमल लगा होगा, तो पांचवी पूरी की पूरी साफ सुथरी और बिना कलंक की होगी। ऐसी हमारी पांच उंगली होगी तो पंजा बना होगा, यानी कि कानून बना होगा, समझे? तो ये जो कानून बना है ना, जिससे जिन वर्दियों को समेट समेट, यानी वर्दियों को इन द सेंस पोजिशंस, नॉट दी ऑफिसर्स, दी पोजिशंस, डीजी, डीएसपी, देन कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स, डीसीपीस, ये सब कुछ जो है ना, ये पिलर्स है गवर्नमेंट के, जो पिलर्स हैं पोजिशंस के, वो सारे चेंज होते रहते हैं, सारे चेंज होते हैं, सारे ईच एंड एवरी वन गेट चेंजेस। पोजिशंस वही रहती है, ऑफिसर्स वही रहते हैं, ऑफिसर्स बदलते रहते हैं, समझे? कुछ ऑफिसर्स ज़्यादा लंबे अरसे तक चलते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, जो दो पाँच ज़्यादा करते हैं ना, दो पाँच तीन पाँच, समझ जाना अपनी मुंबई की लैंग्वेज है, और अपन लोग कभी छोड़ने नहीं वाले हैं। MBA किया मैंने, MBA करने के बाद भी मैं आज भी ये भाषा में बात करती हूँ। कैसे कहा है माइते का, मुंबई में पैदा वेला बच्चा है ना, वो भी 17 में पैदा वेला, जो मुंबई का सबसे बड़ा खतरा है। कुछ माइला अमी लोग ना कोणाला पण सोडता नसतं, कळला का? जो चार्जशीट इज्जत से डाल देनी चाहिए थी ऑफिसर को, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक बाकी है। क्यों मालूम है? वो ऑफिसर FIR दर्ज होने के टाइम पे खुद वहाँ पे नहीं था, छुट्टी पे गया था, रिकॉर्डिंग मेरे पास सेव है, मैं कोर्ट में दिखाएगी ट्रायल के टाइम पर, और ट्रायल बहुत दूर नहीं है, अभी 10 दिन बचे हैं, 20 तारीख है आज, 10 दिन बचे हैं 90 डेज कंप्लीट होने के लिए, यानी कानूनन एक ऑफिसर को 90 डेज का टाइम दिया जाता है कि तुम चार्जशीट डालो, कानून का आदेश होता है 90 दिन के अंदर डालना, आज 20 तारीख है और 10 दिन बचे, तो 10 दिन के बाद में तो मैं नासिक ढोल, ज़्यादा नहीं, मैं मेरे भाई लोग को बोलूँगी थोड़ा, एक 50-60 हज़ार रुपये के, ज़्यादा नहीं है, सुन रहे, 50-60 हज़ार रुपये के, ज़्यादा का नहीं लेना, मना, पैसा वेस्ट नहीं करने का, एक 50-60 हज़ार रुपये की पटाखड़ी लेके आने का, नासिक ढोल बड़ा वाला, वो कितना भी बड़ा ला चलेगा, 100 ड्रमर के साथ में, वाशी टोल नाके से अपन मुंबई में एंट्री, ढोल ताशे के साथ में, न्यू ऑफिस ओपनिंग के साथ में, हाँ शमसुद्दीन कुरैशी, तेरे को तो बोलना है, भूल ही गए रे मैं भाड़ खाऊ, तेरे बारे में तो मैंने बोला ही नहीं कुछ भी, तुझे क्या लगा? एक का बात बता मेरे को, तूने तेरी जगह बैंक को या ATM को भाड़े पे दी, हाँ वो बैंक का कुछ प्रॉब्लम हुआ, सेट डाउन हुआ, ATM का कुछ प्रॉब्लम हुआ, सेट डाउन हुआ, तो क्या जिसकी प्रॉपर्टी है तो वो क्या करेगा, जाके शटर खोल के ATM का पूरा पैसा निकाल लेगा, मशीन बाहर निकाल लेगा, या फिर बैंक का पूरा कुर्सी टेबल पूरा बाहर निकाल देगा, उसका सेफ खोल लेगा, सेफ खोल के पूरा पैसा बाहर निकाल लेगा, ऐसा चलता है क्या? हाँ ऐसा चलता है कि कहीं पर चलता है? भाइयों बहनों ऐसा चलता है कहीं पर? तो तूने क्या सोचा रे, तो कुछ शबनम शेफ क्या माइम का हलवा लगी थी कि तू मुंह में रखेगा और पेट में सीधा अंदर? परेश रावल की औलाद, मेरे को खाली इतना बता, तूने मेरे ऑफिस से सामान बाहर कैसे निकाला और मेरे ऑफिस के अंदर तू घुसा कैसे? पहले तू ट्रेसपास का, और मेरी बेटी ने जाके देखा मेरे ड्रॉर में, मेरी लंबी वाली, दोस्तों भाइयों बहनों वगैरह खोलो, ये चुभ रहा है मेरे को बहुत, ये सब आर्टिफिशियल है ना, मेरे को जरा भी नहीं जमता, खोल दो ये जरा, मैं सबको बता दूँ चीज कि बड़ी वाली चेन, उस दिन मैं ऑफिस में
27 तारीख को, 27 फरवरी को मेरी बड़ी वाली चेन मैंने मेरे ड्रॉर में रखी, BMW की चाबी रखी, मर्सिडीज की चाबी उठाई, मेरे सारे ATM कार्ड्स रखे, मेरा पैन कार्ड रखा, आधार कार्ड रखा हुआ था, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि मेरे को अगली मॉर्निंग सुबह सुबह बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला है, मेरे अपने ही दोस्त आने वाले मेरे को अरेस्ट करने के लिए, अभी एक झूठे FIR पे, मेरी ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी मेरे ड्रॉर में, और तो और मेरी मछलियाँ, मेरी फिशेस फिश टैंक के अंदर की, वो जिंदा है या मर गई, शमशुद्दीन कुरैशी ये बात मेरी सुन लेना, अगर मेरी मच्छियों को कुछ हुआ, एक भी मच्छी मरी हुई मिली मुझे मेरी, तेरे को मैं मर्डर केस में अंदर कराऊंगी, 302 में जब गाय माता होती है ना तो मच्छी भी मेरी माँ है, समझा, गाय माँ है ना तो मच्छी भी मेरी माँ है, मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं। और तूने तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मेरा ऑफिस के अंदर में घुसने के लिए, और चोरी मेरे घर में चोरी, तू बग मी तुला सोड़नार का है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।